यरोमन अन्यंगाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हर दिन के साथ के ड्रामास की इंडिया में पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जिसमें अब ना जाने कितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं, जिनका केपॉप और के ड्रामास में काम करने का सपना है। और इस सपने को टेलीविजन एक्ट्रेस अनुष्का सेन पूरा भी करने जा रही है, जिसके बाद अब एक और इंडियन एक्ट्रेस अपना ये सपना पूरा करने की तैयारी कर रही है। और ये बात उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद शेयर की। दोस्तों, आप शायद इन्हें जानते होंगे, मैं बात कर रही हूँ राधिका बानगिया की। तो मैं आपको इस ब्यूटीफुल आर्मी गर्ल और इंडियन एक्ट्रेस के बारे में बताऊं, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपको अब तक किसी भी हिंदी यूट्यूब चैनल ने इस न्यूज के बारे में नहीं बताया होगा, लेकिन जैसा कि हमेशा मैं आपके साथ सबसे पहले केपॉप और के ड्रामास की लेटेस्ट न्यूज शेयर करती हूँ। तो आपको बता दें कि राधिका के ड्रामास की हार्डकोर फैन है और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अक्सर अपने के ड्रामा से रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। साथ ही वो कोरियन लैंग्वेज भी लर्न कर रही हैं। इसके साथ ही वो एक BTS आर्मी भी हैं और अक्सर BTS सॉन्ग भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करती हैं। तो हमारे जो दोस्त राधिका को नहीं जानते, उन्हें बता दें कि 30 इयर्स की राधिका एक्ट्रेस, मॉडल, यूट्यूबर के साथ साथ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, जो अब तक 3 बॉलीवुड मूवीज में काम करने के साथ साथ कुछ बड़े यूट्यूबर्स के साथ भी काम कर चुकी हैं। वहीं राधिका को फेम मिला सोशल मीडिया अकाउंट टिकटॉक से, जहां वे अपनी डांस वीडियोस रेगुलर शेयर करती थी। और कुछ दिन पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आर्मी के साथ BTS PTD कॉन्सर्ट से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस शेयर भी किए, जहां उन्होंने बताया कि वो काफी टाइम से BTS कॉन्सर्ट का वेट कर रही थी और अब उनका ये सपना पूरा हो गया है, जिसके बाद अब उन्होंने अपने फैंस के साथ एक और गुड न्यूज शेयर करते हुए कहा कि वो हमेशा से के ड्रामास में काम करने का सपना देखती थी और अब वो अपना सपना पूरा करने जा रही हैं, यानी वो जल्दी के ड्रामास में काम करना स्टार्ट कर रही हैं। हालांकि उन्होंने इसके साथ ही ये भी मेंशन किया कि इसकी शुरुआत कुछ कोरियन कमर्शियल एड्स के साथ की जाएगी, जिसके बाद वो कुछ शॉर्ट कोरियन मूवीज भी करेंगी, जो कि राकुटन विक्की पर टेलीकास्ट की जाएंगी। इसके साथ ही राधिका ने लिखा कि अभी वो इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, इसलिए कुछ टाइम बाद उनके फैंस उनके इन प्रोजेक्ट्स को एंजॉय कर पाएंगे। इसके अलावा वो जिन प्रोडक्शन टीम के साथ काम कर रही हैं, उसे भी उन्होंने टैग किया। वेल, मैं तो राधिका के लिए काफी हैप्पी हूँ और उम्मीद करूंगी कि वो अपना हर सपना पूरा करें और कोरिया में इंडिया का नाम रोशन करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगेयो।